नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को टेक हलदार ईशान चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे विंडोज़ 10 में विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को हमेशा के लिए डिजेबल करना है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए। जो लोग इस चैनल में नया है प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले जाना है विंडोज़ जो नीचे जो सर्च बार है उसमें टाइप करना है। क्या टाइप करना है? वहाँ पे सर्च करना है सर्विसेस टाइप करना है। सर्च बार में जाके वहाँ पे सर्च करना है सर्विसेस। देखिए ऊपर में जो सर्विसेज बोल के एक तो फोल्डर वहाँ पे क्लिक करना है। अभी ओपन हो गया फोल्डर एक। यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट बोल के एक फोल्डर होगा, देखिए उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर दीजिए। अब प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टअप टाइप यहाँ पे डिजेबल कर दीजिए और नीचे देखिए रनिंग जो ऑप्शन वो नीचे स्टॉप उसको क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट अप्लाई, नेक्स्ट ओके। देखिए यहाँ पे जो विंडोज़ अपडेट जो है ये डिजेबल हो गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अभी क्या करना है, डेस्कटॉप का ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज में जाना है। अब कस्टमाइज में जाके ऊपर सर्च बार में लिखना है एक्टिवेशन। देखिए बायां तरफ एक्टिवेशन बोल के वहाँ पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जाना है विंडोज़ अपडेट्स। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो अपडेट्स आर अवेलेबल। तो हो गया दोस्तों, अपडेट का जो ऑप्शन है वो और नहीं लेगा, ऑटोमेटिक नहीं लेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।